हाय फ्रेंड्स, देखिए हाजिर हूँ आज आप लोगों के लिए बहुत ही आसान तरीके की 1 से लेकर 2 साल की लड़की की मैटिनी जैकेट लेकर। तो ये वीडियो देख के आपको याद आ रहा होगा, बिल्कुल ऐसी ही एक बहुत ही वायरल बेबी जैकेट है जो जिसके साथ कैप भी है साथ में, तो उसी को हमने जो है पैटर्न चेंज करके बनाने की कोशिश की है। देखिए, और इंचज में अगर देखेंगे तो देखिए ये शोल्डर से लेकर इसकी जो पूरी लेंथ है 13.5 इंच है, 13.5 इंचेस यहाँ तक है, और जो इसकी इस तरह से चौड़ाई है 10 इंचेस इसकी वेस्ट है, कमर है, और अगर स्लीव देखेंगे, बाजू देखेंगे, तो वैसे तो ये देखिए ये 12 इंच गले तक है और बाजू की जो कुल लंबाई है वो 10 इंच है, लेकिन जब इसे वॉश करेंगे तो इस तरह से लटकेगी। अगर इसे वॉश करके आप ऐसे सूखने के लिए डालेंगे तो ये लटक के थोड़ी सी और इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, और ये काफ़ी खुली है, इसे आप कपड़ों के ऊपर से पहना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी मैंने क्या क्या यूज़ किया है। एक तो मैंने ये वूल ली है, गंगा की 4-ply एक्रेलिक यार्न है ये, ना ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा पतली है, और 10 नंबर की सिलाइयाँ ली है, 10 नंबर नीडल्स, लेकिन हम एक जो है 9 नंबर की सिलाई भी रखेंगे क्योंकि कई जगह पे हमारी यूज़ होनी है, जो आपको वीडियो में पता चलता रहेगा। इसके अलावा एक तो सीजर्स हमें चाहिए, और टेपेस्ट्री नीडल चाहिए, स्वेटर सिलने की सुई चाहिए, और 2 बटन्स चाहिए। देखिए हमने ये 2 बटन्स यहाँ पे अटैच किए हैं, और बटन होल मैंने वीडियो में यहाँ पर ही बताया है, लेकिन आपको जो है जब ये लेफ्ट साइड बनाएंगे, राइट साइड के बाद पीठ बनेगी, फिर लेफ्ट साइड बननी है, जिसमें मैंने यहाँ पे बटन होल बताया है, तो आप यहाँ गले के पास भी बना लीजिएगा। वैसे तो ऐसे भी बन जाता है बटन होल, मैंने आपको बताया भी है कैसे बना सकते हैं हम। तो चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे हम बाजू से स्टार्ट करेंगे, स्लीव से। तो देखिए स्लीव के लिए, बाजू के लिए सबसे पहले हम 42 फंदे कास्टन करेंगे, 42 स्टिचेस, और सिंगल धागे से ये फंदे कास्टन करेंगे। ये देखिए, जो तरीका आपको ठीक लगता हो आप उस तरीके से ये 42 फंदे कास्टन कर लीजिएगा। तो पहले ये 42 स्टिचेस कास्टन कर लेते हैं। ये देखिए हमने इस तरह से 42 फंदे कास्टन कर लिए सिंगल धागे से। अब हम फर्स्ट रो में जो है पहली सिलाई में एक फंदा सीधा, क्योंकि हमने कास्टन किया है तो पहला फंदा भी बुना जाएगा, एक फंदा उल्टा। तो ये पूरी रो हम एक सीधा एक उल्टा की पहले बना लेंगे। तो ये पूरी सिलाई एक सीधा एक उल्टा बुन लेंगे। फ्रेंड्स देखिए हमने फर्स्ट रो इस तरह से बना ली है, सेकंड रो ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा तो हम सीधा बुनेंगे, अब अगला फंदा उल्टा बुनेंगे। अब देखिए ये जो सीधा फंदा है इसे हम इस तरह से नीचे से नीडल लेकर आएंगे, इस फंदे को उतार के ऐसे घुमा कर लाएंगे, वापिस रखेंगे और इसे सीधा बुन देंगे। तो हमने उल्टा फंदा जो है उसे नॉर्मल उल्टा बुनना है, और जो सीधा फंदा है उसे ऐसे धागा पीछे ले जाकर नीडल को ऐसे घुमाकर, ये मैं पहले भी आपको 2-3 बार बॉर्डर बता चुकी हूँ बनाना। ये देखिए फिर इस फंदे को सीधा, तो उल्टा फंदा नॉर्मल उल्टा और सीधा फंदा जो है वो इस तरह से नीचे से घुमाकर। तो ऐसे हम ये पूरी रो में सीधे फंदों को बुनते जाएंगे। तो अब ये पूरी सिलाई हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमने रो कंप्लीट कर ली। अब हम इस तरफ से इन फंदों को फिर से एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए ये रो बनाएंगे, नॉर्मल बुनेंगे। अब हमने नीचे से नहीं बुनना है, ये ध्यान रखिएगा, जैसे हम नॉर्मल एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाते हैं वैसे ये बनाएंगे, और अगली सिलाई भी ऐसे बना लेंगे। यानी 2 सिलाई अब हमने एक सीधा एक उल्टा की बना लेनी है। वर्क 2 रोज ऑफ 1 by 1 रिप, दैट इज निट 1 पर्ल 1। तो ये 2 सिलाई पहले बनाकर कंप्लीट कर लेंगे हम। तो फ्रेंड्स ये 2 सिलाइयाँ हमने बुन ली है। अब ये राइट साइड हमारी फिर से देखिए स्टार्ट होगी, और ये हमारे पैटर्न की रो 1 भी इसी के साथ स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें देखिए हम पहला फंदा तो स्लिप करेंगे। वैसे तो ये पूरी रो हमारी पैटर्न में भी सीधी आती है और ये सीधी ही आएगी, लेकिन इस रो में हमने 4 फंदे बढ़ाने हैं, इंक्रीज करने हैं। तो एक तो हमने स्टार्टिंग में कर लिया, अब हम जो है इस तरह से कुछ फंदे बुन लेंगे, जैसे 12 के करीब फंदे बुन लेंगे, फिर एक फंदा बढ़ा लेंगे, फिर 12 फंदे बुन के एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो पहले हम ये फंदे बढ़ा लेते हैं।
तो फ्रेंड्स देखिए, हमने इस तरह से चार फंदे बढ़ा दिए। अभी हमारे पास 46 फंदे हैं, 46 स्टिचेस हैं। अब इस तरफ से हम इन सारे फंदों को पहले उल्टा बुन लेंगे, पर्ल ऑल फ्रॉम दिस साइड। तो ये हम पूरी सिलाई पहले उल्टी बुन लेंगे। पैटर्न की जो सेकंड रो थी उसको भी हमने उल्टा ही बुनना था, तो ये सारे फंदे उल्टा बुन लेते हैं। तो अब हम इन फंदों को इस तरफ से जो है सीधा बुन लेंगे। ये थर्ड रो है, इसमें सारे फंदे सीधे आ जाएंगे ऑल। तो थर्ड रो के सारे फंदे सीधे बुनने के बाद फोर्थ रो, चौथी सिलाई जिसमें हमारा पैटर्न बनेगा। देखिए, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब जो एक फंदा है इसे हमने ऐसे नीचे वाले लूप से सीधा बुनना है, ऐसे नीट फंड फ्रॉम बिलो, और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर यही दो फंदे हमने रिपीट करते जाना है। एक फंदा नीचे से बुनेंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा नीचे से, एक फंदा उल्टा। तो फोर्थ रो हमने ऐसे बुननी है। तो ये पूरी पहले हम रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये सिलाई हमने कंप्लीट कर ली। लास्ट में देखिए, हमने जो तीन फंदे थे, एक को हमने नीचे से बुना, एक उल्टा, और एच स्टिच को भी उल्टा बुन लिया, यानी दो फंदे उल्टे आए। अब पांचवी सिलाई, फिफ्थ रो, इसमें हम सारे फंदे फिर से सीधे बुनेंगे। रो वन से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले हम ये चार सिलाई और बुन लेंगे। वर्क फोर मोर रोज, यही पैटर्न की चार सिलाइयां हम और बुन लेंगे। तो हमने पैटर्न की चार सिलाई और बुन ली है। एट रोज हमारी कंप्लीट हो गई हैं, आठ सिलाइयां। अब नाइन्थ रो, नौवीं सिलाई, देखिए पहले फंदे को स्लिप करेंगे, दूसरे फंदे को दो बार बुनकर एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लेंगे, और फिर बाकी की रो तो हमारी सीधी आएगी पैटर्न के अकॉर्डिंग, लेकिन लास्ट का हमने जो सेकेंड लास्ट फंदा है इसको भी दो बार बुनकर एक फंदा इस तरफ भी बढ़ाना है। इंक्रीज वन स्टिच ऑन बोथ साइड्स इन एवरी नाइन्थ रो। तो हमने हर नौवीं नौवीं सिलाई में जो है एक एक फंदा बढ़ाते हुए जाना है, और टोटल जो हमने बुननी है बॉर्डर के बाद 84 सिलाइयां, 84 रोज बुन लेंगे। मतलब कि हमारा ये चार सिलाई का पैटर्न है, तो ये चार सिलाइयां हमारी 21 बार रिपीट होंगी। तो देखिए, हमने दूसरी स्लीव बनाकर पहले ही रेडी कर ली है, ताकि आपको और इजीली समझ में आए कि हमने क्या करना है। देखिए, यहाँ पे हमने ये चार सिलाई बुन ली थी, ये नाइन्थ रो जो सीधी बुनी थी इसमें हमने एक एक फंदा बढ़ाया था। फिर यहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ बढ़ाएंगे, तो ऐसे 10 फंदे इस तरफ से बढ़ेंगे और 10 फंदे इस तरफ से बढ़ेंगे। हमारे 46 थे, 46 फंदे थे, तो यहाँ पर आकर हमारे 66 फंदे हो जाएंगे। ये टोटल हमने 84 सिलाइयां बुनी है, 84 रोज, ताकि हमारी लेंथ जो है थोड़ी बढ़ जाए। देखिए, 8 इंच के करीब इसकी लंबाई हुई है, 8 इंचेस। और अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने यहाँ पे कटिंग करनी शुरू करनी है। तो पहले हम तीन फंदे यहाँ इस तरफ से बाइंड ऑफ कर लेंगे। ये वैसे भी हमारी पैटर्न के अकॉर्डिंग सीधी रो आनी थी, तो तीन फंदे हम ये बाइंड ऑफ कर लेंगे। इसके बाद बाकी के फंदे सीधे बुनेंगे और उस तरफ से भी तीन फंदे बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो पहले ये सिलाई पूरी हम सीधी बुन लेते हैं लास्ट तक। देखिए, तीन फंदे इस तरफ से बाइंड ऑफ करने के बाद पूरी रो हमने सीधी बुन ली। अब इस तरफ से तीन फंदे बाइंड ऑफ करेंगे उल्टा बुनते हुए। तो ये हम आर्म होल की कटिंग जैसे करते हैं वैसे ही कर रहे हैं। तीन फंदे इस तरफ से उल्टा बुनते हुए बाइंड ऑफ किए। अब बाकी की रॉ जो है पैटर्न के अकॉर्डिंग उल्टी आनी थी, तो इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने पहले देखिए तीन तीन दोनों तरफ से किए, फिर दो दो करेंगे और फिर एक एक फंदा कम करेंगे। तो तीन दो एक वाली कटिंग कर लेंगे पहले हम। ये देखिए, तीन दो एक करके इस तरफ से और तीन दो एक करके इस तरफ से हमने कम कर लिए। अब इसकी हम जो है राउंड कटिंग करने के लिए, देखिए पहले दो फंदे इस तरफ से बाइंड ऑफ करेंगे ऐसे, वन टू। फिर पूरी सिलाई, क्योंकि पैटर्न के अकॉर्डिंग सीधी आएगी, तो इसे सीधा बुन लेंगे। फिर उसके बाद अगली सिलाई के स्टार्टिंग में, शुरू में, जो कि पैटर्न की फोर्थ रो होगी, रो को हम वैसे ही फॉलो करेंगे, तो दो फंदे बंद कर लेंगे। तो ऐसे अब हम दो दो करके दोनों तरफ से 7 बार जो है फंदे घटा लेंगे, यानी 14 फंदे एक तरफ से घट जाएंगे और 14 फंदे ही दूसरी तरफ से घट जाएंगे। तो अब हम ये दो दो करके दोनों तरफ से 7 बार पहले फंदे बाइंड ऑफ कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो देखिए, हमने 3 2 1 के बाद दो दो करके 7 बार इस तरफ से और दो दो करके 7 बार इस तरफ से फंदे कम कर लिए। तो हमने 28 फंदे जो है कम कर लिए, 14 14 दोनों तरफ से, और पहले हम 12 कर चुके थे, तो हमने टोटल जो है 40 फंदे डिक्रीज कर लिए। और अब हमारे पास 26 फंदे बचे हैं, 26 स्टिचेस। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा इस रो में
इन फंदों को जो है पहले आधे फंदे बाइंड ऑफ कर लेंगे। जितने आपके अगर 26 फंदे हैं तो 13 फंदे बाइंड ऑफ हो जाएंगे, मतलब कि हाफ जो स्टिचेस हैं उनको हम पहले बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो ये 13 फंदे बाइंड ऑफ कर लेते हैं। देखिए 13 फंदे हमने बाइंड ऑफ कर लिए। अब बाकी हम जो है इन फंदों को पहले इस तरफ से सीधा बुन लेंगे नेट रिमेनिंग। तो ये सारे पहले सीधे बुन लेते हैं 13 फंदे। ये देखिए इस तरफ से हमने इन्हें सीधा बुना। अब हम उल्टी तरफ से जो है उल्टा बुनते हुए इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। 13 फंदों को बाइंड ऑफ दिस 13 स्टिचेस फ्रॉम दिस साइड। तो ये रॉन्ग साइड है इसलिए हम इन्हें उल्टा बुनते हुए बाइंड ऑफ करेंगे ढीला ढीला ऐसे। तो अब ये हम लास्ट फंदे तक पहले बाइंड ऑफ कर लेते हैं। ये देखिए हमने जो है बीच तक इन फंदों को बाइंड ऑफ किया। अब यहाँ पे हम धागा रख के काट लेंगे। यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा धागा रखना है स्टिचिंग के लिए, क्योंकि इसे हम यहाँ पे शोल्डर से ज्वाइन करते हैं, तो हम स्टिचिंग के लिए धागा रख के काट लेंगे। ये देखिए अब इस धागे को हम इस जो लास्ट वाला हमारा स्टिच है इसके बीच में से निकाल लेंगे। तो ये बिल्कुल जो हमारी स्लीव का सेंटर है जहाँ पे अब ये धागा निकल रहा है, तो यहाँ से हम इसे फोल्ड करके देखेंगे कि इसकी कितनी विड्थ हुई है, चौड़ाई कितनी हुई है और लंबाई कितनी हुई है। देखिएगा इंचेस में, ये देखिए कंधे से लेके शोल्डर से लेके जो हमारी लेंथ हुई है 10 इंचेस हुई है। तो आप इसकी लंबाई उसी हिसाब से बढ़ा सकते हैं जितनी आपको एज का रखना है। और क्योंकि ये काफी खुला बनता है तो आप इसे 7-8 साल के बच्चे तक को भी आराम से इतनी ही चौड़ाई में बढ़ाते जाइएगा, क्योंकि ये देखिए खुलने के बाद ये इतना खुलता जाएगा। तो आपको थोड़ी सी लेंथ ज्यादा रखनी होगी जैसे जो एज का बच्चा है उसके अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स इसकी तो मैंने आपको डायमेंशन बता दी। अब हम दूसरी स्लीव बिल्कुल इसी तरीके से बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने दूसरी स्लीव भी तैयार कर ली है। अब हम फ्रंट और बैक एक साथ बनाने के लिए 150 फंदे कास्टन करेंगे, 150 स्टिचेस कास्टन करेंगे और सेम यही वाला बॉर्डर बुनकर, और फिर हमने यह पैटर्न फॉलो करते हुए 90 सिलाइयां 90 रोज बना लेनी है। तो पहले हम ये बना लेंगे, पहले 150 फंदे कास्टन करेंगे, सेम इसी तरीके से बॉर्डर बनाएंगे और 90 सिलाइयां हम जो है इसी पैटर्न की बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने ये 90 रोज 90 सिलाइयां 150 फंदों पे बना ली है। ये इस तरह से हमारा फ्रंट और बैक एक साथ ही बना है। अब उसके बाद हमने इन 150 फंदों को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, फ्रंट और बैक, ये आगे के दो पल्ले और ये पीठ। तो जो आगे के फंदे हैं 38 और बीच में 74, 38 फंदे और पीठ के लिए 74 फंदे हमने रखे हैं। तो इस तरह से इसे डिवाइड किया है। अब देखिए हमने क्या करना है, ये हमारी राइट साइड है फ्रंट की, तो यहां से हम इसे एक सीधा एक उल्टा करके बुनना शुरू करेंगे, वन बाय वन रिप जैसे होता है। इससे क्या होगा कि हमारा यहां से ऊपर से इसकी टाइट फिटिंग आ जाएगी थोड़ी सी, एक सीधा एक उल्टा बुनने की वजह से। तो इन सारे फंदों को हम एक सीधा एक उल्टा बुनेंगे यहां तक मार्कर तक। देखिए इन सारे फंदों को हमने यहां तक बुन लिया और यहीं से टर्न कर लेंगे, 38 फंदे ही हमने बुने हैं। अब इस तरफ से हमने पहले तीन फंदे जैसे हमने स्लीव में किया था, जिस सीक्वेंस में हम स्लीव में बाइंड ऑफ करते हैं उसी सीक्वेंस में हमने यहां पे बाइंड ऑफ करना होता है। तो पहले हम तीन फंदे ऐसे उल्टा बुनते हुए बाइंड ऑफ करेंगे क्योंकि रॉन्ग साइड है ऐसे, और इन्हें जो है थोड़ा ढीला ढीला बाइंड ऑफ कीजिएगा, 2-3। तो ये तीन फंदे बाइंड ऑफ करने के बाद अब हमारा एक सीधा एक उल्टा जैसे चल रहा था, सीधे फंदों के ऊपर सीधा उल्टे के ऊपर उल्टा, तो पहले ये हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे पूरा। तो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब फिर हम इस तरफ से एक सीधा एक उल्टा बुनेंगे, तो ये पूरी रो हम एक सीधा एक उल्टा बुनकर फिर से कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब इस तरफ से हमने इस बार दो फंदे बाइंड ऑफ करने हैं फ्रेंड्स। तो ये 3-2-1 करके जैसे हम करते हैं बाइंड ऑफ ऐसे ही होंगे बाइंड ऑफ। देखिए उल्टा बुनते हुए अब हम ये एक और ये दो फंदे बाइंड ऑफ किए, बाइंड ऑफ 2। उसके बाद जैसा है पैटर्न वैसा ही ये बाकी के फंदे बुने जाएंगे, एक सीधा है तो एक सीधा एक उल्टा। तो ऐसे हम अब ये फिर से रो कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरफ से हमने इन फंदों को बुना, अब इस तरफ से फिर से हम इन फंदों को जैसे है वैसे बुन लेंगे एक सीधा एक उल्टा करते हुए। तो ये रो भी हम पूरी बुन लेते हैं पहले। देखिए फ्रेंड्स ये रो कंप्लीट करने के बाद इस बार हमने एक फंदा बाइंड ऑफ करना है। तो हमने 3-2
एक इस तरह से ये आर्म होल की कटिंग कर ली, 3-2-1 करके आर्म होल की कटिंग कर ली। ये फंदा उल्टा है तो उल्टा आएगा, ये सीधा। तो अब पहले ये रो कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारी जो है कंप्लीट हो गई 6 रोज। अब हम 26 सिलाइयां 26 रोज जैसे है फंदे वैसे बुन लेंगे, यानी एक फंदा सीधा एक उल्टा, बिना घटाए हमने ये बना लेनी है 26 सिलाइयां। तो देखिए फ्रेंड्स हमने ये 26 रोज 26 सिलाइयां एक सीधा एक उल्टा की बुन ली। अब इस तरफ से हमने नेक की कटिंग करनी है, गले की कटिंग करनी है। तो पहले हम 6 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे ऐसे, 1 2। इसे ढीला ढीला बाइंड ऑफ कीजिएगा, आप चाहे तो बड़े नंबर की जो है नीडल ले सकते हैं। 4, 5 एंड 6। पहले 6 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे, बाकी जैसे है वैसे हम इसे बुनेंगे। उसके बाद हमने 4, फिर 3, 2, 1, 6, 4, 3, 2, 1 करके बाइंड ऑफ कर लेने हैं। फ्रेंड्स अब ये गले की कटिंग हम कर लेंगे 6, 4, 3, 2, 1 इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने 6, 4, 3, 2, 1 करके कटिंग कर ली है 6, 4, 3, 2, 1 करके। अब हम इन फंदों को जो है वो स्टिच होल्डर पर उतार लेंगे। ये देखिए स्टिच होल्डर पर हमने इन फंदों को उतार लिया। अब ये जो बैक वाले फंदे हैं इनमें हमने दोनों तरफ से 3-2-1, 3-2-1 करके फंदे बाइंड ऑफ करने हैं, जैसे हमने फ्रंट में किए थे एक तरफ। तो बैक के दोनों तरफ हम करेंगे, पहले इस तरफ 3 फंदे बाइंड ऑफ कर लेंगे, 1, 2, 3। उसके बाद फिर एक सीधा एक उल्टा बुनते जाएंगे ऐसे, और फिर उस तरफ से पहले हम इस तरफ से भी 3 बाइंड ऑफ करेंगे, फिर 2-2-1-1। तो 3-2-1 करके बाइंड ऑफ करने के बाद इसकी हमने जो है 34 रोज 34 सिलाइयां और बुन लेनी है बाइंड ऑफ करने के बाद, ताकि टोटल हमारी जो है वो 40 हो जाएंगी। 6 सिलाइयों में हमने जो है फंदे घटाने हैं 3-2-1, उसके बाद हमने 34 सिलाइयां और बुन लेनी है। तो अब ये बना लेंगे हम। तो ये हमने 40 सिलाई जो है एक सीधा एक उल्टा की बुन ली है 40 रोज। अब जैसे हमने इस तरफ 3-2-1 करके कटिंग की थी वो कटिंग हम इस तरफ से स्टार्ट करेंगे नया धागा लगाकर, ये देखिए। तो फ्रेंड्स इस चीज का ध्यान रखना होता है, क्योंकि स्पेशली जो बिगिनर्स होते हैं यही गलती करते हैं कि उन्हें साइड का ध्यान नहीं रहता है। तो इस तरफ से हम पहले जैसे 3 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे, फिर एक उल्टा एक सीधा जैसे बुन रहे थे वो बुनेंगे 1 बाय 1 रिब। तो ऐसे हम 3-2-1 कम कर लेंगे, उसके बाद 26 सिलाई हमने बुन लेनी है जैसे हमने दूसरी तरफ किया था। उसके बाद नेक की कटिंग करने के लिए, गले की कटिंग करने के लिए 6-4-3-2-1 करके हमने फंदे कम करने हैं, लेकिन वो अब इस तरफ से करेंगे। चाहे तो आप याद रखने के लिए इस तरफ मार्कर लगा लीजिएगा। तो अब जैसे हमने राइट साइड बनाई थी वैसे ही लेफ्ट साइड भी बना लेंगे, तो और इजीली आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स ये साइड हमारी कंप्लीट होगी। इस तरफ हमने गला बना लिया है, नेक बना लिया है 6, 4, 3, 2, 1 करके डिक्रीज किए थे। अभी हमारे पास जो 16 स्टिचेस 16 फंदे हैं शोल्डर के लिए बचे हुए। अब बस ऐसे हम इसे टर्न करेंगे और इन फंदों को जो है दूसरी नीडल पर शिफ्ट कर लेंगे, या फिर एक सिलाई हम बुन लेंगे। अभी धागा हमने यहाँ पे रखा हुआ था तो ये रो पहले यहाँ तक बुन लेंगे, ताकि हम शोल्डर को पहले यहाँ से यहाँ तक जोड़ सके। ये हमने एक एक्स्ट्रा रो बुन ली ताकि हम इसे इस तरह से जोड़ सके। अब फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे हमने इन जो है शोल्डर्स को, कंधों को पहले 16 फंदे हैं तो इन्हें 3 नीडल बाइंड ऑफ से जोड़ना तो है, लेकिन इसके लिए आप जो है या तो मोटी सिलाई लीजिएगा या बहुत ही ढीले ढीले जोड़ने होंगे, क्योंकि वैसे ही ये 1 बाय 1 रिब जो है वो टाइट रहता है। तो आपने इन फंदों को ढीला ढीला बाइंड ऑफ करना है। देखिए मैंने यहाँ पे ये बड़ी नीडल ली है 9 नंबर, तो आप 8-9 नंबर की सिलाई पे जो है इन फंदों को ऐसे 3 नीडल बाइंड ऑफ से बाइंड ऑफ कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा। तो पहले ये 16 स्टिचेस जो 16 फंदे शोल्डर्स के हैं, पहले हम इन्हें 3 नीडल से ऐसे बाइंड ऑफ कर लेते हैं। ये देखिए हमने ये 16 फंदे बाइंड ऑफ कर लिए। अब ये बड़े वाली नीडल अभी हटा लेंगे हम, और इस जो है 10 नंबर की सिलाई पे ही ये देखिए अगला फंदा जो उल्टा है इसे उल्टा बुनेंगे, लेकिन ये जो हमारा शोल्डर का एक फंदा एक्स्ट्रा है इसे भी इससे उतार लेंगे। अब एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए हम ये फंदे बुनेंगे लास्ट के 16 फंदों तक। इस तरफ के शोल्डर के 16 फंदे रख के और बीच के ये सारे फंदे हम एक सीधा एक उल्टा करके बुन लेंगे। तो ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हम इन फंदों को, ये देखिए जो हमने स्टिच होल्डर पे लिए थे, आप इसे नीडल पर भी ले सकते हैं। अब ऐसे इनको भी हम 3 नीडल से बाइंड ऑफ कर लेंगे।
ये देखिए हमने इस तरह से दूसरा शोल्डर भी ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ से हमने बटन बैंड बनाने के लिए फंदे उठाने हैं। उसके लिए कास्ट ऑन का जो धागा बचा था उसी में हमने आगे और ऐड कर लिया है गार्ड लगा के, ताकि वेस्ट ना हो। तो यहाँ से हमने बटन बैंड जो बनाएंगे, जैसे हमने बॉर्डर कम चौड़ा रखा था तो वैसे ही हम बटन बैंड भी जो है वो ज़्यादा नहीं रखेंगे। देखिए एक फंदा उठाया, धागा आगे किया, अब दो फंदे उठाएंगे ऐसे, 1 2, फिर धागा आगे कर लेंगे। तो एक एक फंदा हम ऐसे बढ़ाते जाएंगे ताकि टाइट ना हो हमारा ये बॉर्डर। दो फंदे उठाते जाएंगे, धागा आगे करके एक फंदा ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे। तो ये अब हम नेक लाइन तक जो है, यहाँ तक इन फंदों को उठा लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी टोटल कितने फंदे हमारे ये नीडल पर आएंगे। हमने टोटल 95 स्टिचेस 95 फंदे उठाए हैं और ये ऑड नंबर में ही होने चाहिए ताकि हमारा पहला और लास्ट फंदा जो है वो एक जैसा आए। और इस तरफ से हमने इसे उल्टा बुनना है, पहले फंदे को रॉन्ग साइड है ये देखिए। तो ये पहला फंदा इसमें हम बुन लेते हैं। अब एक उल्टा है, फिर सीधा उल्टा सीधा उल्टा बुनते हुए पहले ये वाली रो कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी हमने क्या करना है। तो ये पूरी रो ऐसे ही बना लेते हैं। तो ये सिलाई पूरी करने के बाद अब जो हमने बुननी है चार सिलाई, देखिए कैसे पहला फंदा सीधा बुनेंगे, स्लिप नहीं करेंगे। अब ये जो उल्टा फंदा है इसे बिना बुने उतारेंगे धागा आगे लाके, फिर धागा पीछे ले जाएंगे और सीधे फंदे को बुनेंगे। तो हमने उल्टे फंदों को स्लिप करते जाना है और सीधे फंदों को बुनते जाना है, ऐसे पूरी रो में ही करेंगे उल्टे फंदों को, लेकिन धागा आगे पीछे करना नहीं भूलिएगा। तो इस तरफ से पहले ये रो कम्प्लीट कर लेते हैं। देखिए ये रो कम्प्लीट करने के बाद अब इस तरफ से भी हमने यही करना है। पहला फंदा जो है ये स्लिप करेंगे क्योंकि इस तरफ से ये उल्टा है। अब सीधा फंदा बुनेंगे और उल्टा फंदा बिना बुने उतारेंगे, सीधा फंदा बुनेंगे उल्टा फंदा बिना बुने उतारेंगे। तो ये रो कंप्लीट करने के बाद बिल्कुल ऐसे ही दो सिलाई और बुन लेंगे जिसमें हमने सीधे सीधे फंदे बुनने हैं और उल्टे उल्टे फंदे बिना बुने उतारने हैं। तो ये दो सिलाई और बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स ये बॉर्डर हम बना चुके हैं, चार सिलाई हमने बना ली और अब हम इसे सुई से जो है बंद करेंगे। आप चाहें तो नॉर्मल सीधा उल्टा, अगर आप बिगिनर हैं और ये जो मैं आपको तरीका सिखाने जा रही हूँ, अगर ये आपके जो है नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसे नॉर्मल जो है सीधा उल्टा फंदा बुनते हुए बाइंड ऑफ कर सकते हैं। लेकिन हम इसे सुई से करेंगे तो ये डबल दिखाई देगा, ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि हमने यहाँ पे भी ट्यूबुलर कास्ट ऑन किया है तो हम कास्ट ऑफ भी इसी तरह से करेंगे। तो इसके लिए हमने जितनी ये हमारी विड्थ है, जितनी चौड़ाई है फंदों की, उसका 3 गुना धागा ऐसे 3 टाइम्स इसको ऐसे लेकर काट लेंगे। तो देखिए हमने नीडल पर थ्रेड ले लिया है और क्योंकि ये हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं इसलिए मैं इसे थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगी। देखिएगा जो ये पहला सीधा फंदा है इसमें हम जैसे उल्टा बुनते हैं ऐसे धागा निकालेंगे, इस फंदे को गिराएंगे नहीं, ऐसे धागा निकाला। अब ये देखिए अगला जो उल्टा फंदा है उसमें हमने इस सीधे फंदे के पीछे से ऐसे नीडल लेकर जाएंगे और इस उल्टे फंदे में जैसे सीधा बुनते हैं ऐसे सुई निकाल के धागा खींच लेंगे नीट वाइज। तो ऐसे हमने ये कर लिया। अब ये जो हमारा फंदा था जिसमें हमने उल्टा इस तरह से डाला था, अब इसमें हम ऐसे सीधा बुनते हुए नीडल डालेंगे और इस फंदे को उतार भी लेंगे। एक फंदे में से दो बार जो है हमने सुई डालनी होती है। एक बार हमने पहले उल्टी तरफ से डाली थी, अब सीधे डालते हुए इसमें से हमने धागा निकाल लिया। अब अगला जो सीधा फंदा है उसमें हम जैसे उल्टा बुनते हैं ऐसे नीडल इंसर्ट करेंगे और इस धागे को खींच लेंगे। अब ये जो हमारा उल्टा फंदा था जिसमें हमने सीधा बुनते हुए जैसे किया था, अब इसमें हम जैसे उल्टा बुनते ऐसे इसे उतारेंगे और अगला उल्टा फंदा देखिए पीछे से इसमें जैसे सीधा बुनते हैं ऐसे नीडल डालेंगे। तो उल्टे फंदे में हमने पहले पर्ल वाइज और फिर नीट वाइज, यानी कि पहले उल्टा बुनते हुए और फिर सीधा बुनते हुए सुई डालनी है, और सीधे फंदे में हमने पहले सीधा बुनते हुए और फिर उल्टा बुनते हुए सुई डालनी है। सिर्फ ये फर्क होगा, सीधे फंदे हैं तो पहले सीधी और जो उल्टे फंदे हैं तो पहले उल्टी। अब देखिए ये उल्टा फंदा है और ये उल्टा फंदा है, ये दो, तो इसमें पहले उल्टी और फिर अगले जो उल्टे में सीधी, और अगली बार सीधा फंदा है तो पहले सीधी और फिर उल्टी। तो इस तरह से हम ये सारे फंदे बाइंड ऑफ कर लेंगे। देखिए मैं याद रखने के लिए क्या करती हूँ, देखिए ये उल्टा फंदा है पर्ल वाइज फिर निट वाइज ऐसे बोल के, और जो सीधे फंदे हैं उनके लिए पहले निट वाइज और फिर पर्ल वाइज।
तो पर्ल वाइज निट वाइज, निट वाइज पर्ल वाइज, ऐसे बोलते हुए जब हम बाइंड ऑफ करते हैं तो हमारे ये कभी भी गलत नहीं होंगे, पर्ल वाइज निट वाइज और फिर निट वाइज पर्ल वाइज। तो अब ये सारे फंदे ऐसे बाइंड ऑफ कर लेंगे। देखिए हमने ये फंदे इस तरह से बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब हम सेम ऐसा ही बॉर्डर इस तरफ भी बनाएंगे इतने ही फंदे उठा के। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो ये वाला जॉइंट है ये देखिए यहाँ पे, तो जब हम ये फंदे उठाएंगे तो यहाँ पे एक बटन और रख लीजिएगा। वैसे तो ऐसे भी बन जाता है क्योंकि एक सीधा एक उल्टा है, लेकिन यहाँ पे आप रख लीजिएगा एक बटन होल। तो अब इस तरफ का भी हम ऐसे ही बॉर्डर बना लेते हैं। तो ये हमने जो है ये वाली साइड का भी बटन बैंड बना लिया और बटन होल भी रख लिया था देखिए यहाँ पे। और आप चाहे तो एक आप बटन होल यहाँ पे गले के पास भी रख सकते हैं। अब हम कॉलर के लिए फंदे उठाएंगे। तो देखिए उसके लिए अब ये जो हमारा धागा बचा हुआ है इसे हम तोड़ेंगे नहीं, इसी के साथ हम बांध के कंटिन्यूएशन में गले के फंदे उठाने के लिए धागा लगा लेंगे। ये देखिए तो हमने यहाँ पे ये गांठ लगा के नया धागा यहीं पे अटैच कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि अब ये जो हमारी राइट साइड है ये रॉन्ग काउंट होगी क्योंकि हमने कॉलर बनाना है। तो कॉलर के लिए हम ऐसे जैसे पीछे से नीडल इंसर्ट करके फिर फंदा उठाएंगे उल्टा बुनते हुए ऐसे। तो एक दो ऐसे थोड़ा दूर दूर उठाएंगे, तीसरा फंदा और थोड़ा दूर उठाएंगे, तीन। तो देखिए फिर हम बिल्कुल पास पास नहीं उठाएंगे, चौथा फंदा, चार। तो ऐसे हम ये 20-22 के करीब फंदे उठा लेंगे, 20-22 के करीब हम ये स्टिचेस उठा लेंगे। तो यहाँ तक उठा लेते हैं पहले। ये देखिए हमने ये टोटल 23 फंदे उठाए हैं, 23 स्टिचेस हमने पिक किए हैं। अब ये जो गैप बन रहा है शोल्डर के बीच, यहाँ पे फिर से एक फंदा उठा के इस गैप को पूरा करेंगे ऐसे। अब ये जो पीठ के फंदे हैं देखिए, इसमें पहला फंदा तो सीधा बुनेंगे। अब हमने पीठ के फंदे ज़्यादा हैं तो दो का एक कर लेना है पहले ऐसे उल्टा बुनते हुए। अब जैसे हैं फंदे हमने वो नहीं देखना, एक फंदा सीधा एक उल्टा बुनेंगे, तीन बार ऐसे करेंगे, उसके बाद दो फंदों का एक कर लेंगे उल्टा बुनते हुए। फिर एक सीधा एक उल्टा एक सीधा और फिर तीन दो फंदों का फिर से एक करके। तो ऐसे हमने हर तीन तीन फंदे बुनने के बाद दो का एक करते हुए पीठ के फंदे भी कम करके ही बुन लेने हैं। ये देखिए पीठ के फंदे भी बुन लिए। अब यहाँ फिर से हमने गैप वाला फंदा पहले उठा लेना है, एक धागा आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को उल्टा बुनते हुए उठाएंगे ऐसे। अब जो हमारे ये इस तरफ के हैं वो भी जैसे हमने इस तरफ उठाए थे 23 फंदे, तो इस तरफ भी हम 23 ही फंदे उठाएंगे, 23 स्टिचेस इस तरफ भी उठा लेंगे। तो हमने ये 23 फंदे इस तरफ भी उठा लिए और अभी हमारे पास टोटल जो है दोनों साइड्स और पीठ को मिलाकर टोटल 71 फंदे, 71 स्टिचेस हो चुके हैं। तो इन 71 फंदों पे ही अब हमने जो है कॉलर बनाना है। और अब देखिए हम इन फंदों को एक फंदा सीधा एक उल्टा बुनते हुए बनाएंगे, पहली पूरी रो हम ऐसे ही बनाएंगे। और अगर फ्रेंड्स देखिए ये उल्टा फंदा आ गया, अगर आपके जो ये बैक के फंदे हैं, ये जो बैक वाले फंदे हैं, अगर ये फंदे आपके एक उल्टा एक सीधा बुनते हुए यहाँ पे मैच नहीं करते हैं तो आप यहाँ पे एक फंदा बढ़ा या फिर घटा सकते हैं ताकि आपके ये जो फंदे हैं पीठ के ये ऐसे ही आए जैसे है ये फंदे। तो अब हम ये पूरी रो एक सीधा एक उल्टा बुनकर ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये रो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस रो में ध्यान से देखिएगा हमने क्या करना है। ये देखिए इस तरफ हमारी ये राइट साइड दिख रही है वर्क की हमारे, इस तरफ हम पहले फंदे ये, और ये ध्यान रखिएगा जो ये लास्ट फंदा ये सीधा आएगा इस तरफ से। अब इस फंदे को यहाँ पे हम पर्ल वाइज स्लिप करेंगे। अब ये जो हमारे सीधे सीधे फंदे हैं इनके हम दो फंदे बनाते जाएंगे। देखिए इस एक फंदे को दो बार बुना, दो बन गए, उल्टा फंदा उल्टा, सीधे फंदे के फिर से यहाँ पे दो फंदे बना लेंगे ऐसे उल्टा फंदा उल्टा। तो पूरी रो में हमने यही करना है, सीधे फंदे दो बना लेंगे और उल्टा फंदा उल्टा बुनते जाएंगे। तो ये पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली इस तरह से बुनते हुए। अब इस तरफ से हमने पहले फंदे को स्लिप किया, अब ये दो फंदे जो उस तरफ से हमने दो बनाए थे इस तरफ से ये दोनों उल्टे आएंगे और ये जो सीधा फंदा है जिसे हमने उस तरफ से एक उल्टा करके बुना था, अब हम इस एक के दो बनाएंगे इस तरफ से। तो उस तरफ से भी हमने सीधे फंदे के दो बनाए, इस तरफ से भी सीधे के दो बनाएंगे, लेकिन अब यहाँ पे उल्टे हमारे दो हो जाएंगे
और टू मेक टू, सीधे फंदे के दो बनाएंगे, उल्टे दो फंदे बुनते जाएंगे, पूरी रो में यही करेंगे। तो ये रो भी ऐसे ही बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पूरी रो कंप्लीट कर ली। लास्ट का जो एक ही सीधा फंदा है, इसके भी हमने दो बना लिए थे, स्टार्टिंग में भी हमने दो बनाने हैं। अब इस तरफ से हमने इन फंदों को जैसे है वैसे ही बुनेंगे, यानी दो फंदे उल्टे, दो सीधे दो उल्टे, तो ये पूरी रो ऐसे ही बुनेंगे, नीट टू पर्ल टू। तो ये हम पहले पूरी रो ऐसे ही बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए जो ये दो फंदे सीधे हैं इन्हें सीधा बुनेंगे और जो उल्टे हैं उन्हें उल्टा बुनेंगे, पूरी रो ऐसे बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रो कंप्लीट करने के बाद अब देखिए फिर से हमारी ये रॉन्ग साइड जो है ये सामने है। अब हम पहला फंदा स्लिप करने के बाद ये जो दूसरा फंदा है इसके पहले दो बनाएंगे ऐसे, तो यानी कि तीन फंदे हमारे सीधे हो जाएंगे, दो फंदे ये उल्टे, और फिर ये जो दो सीधे हैं इनमें से पहले फंदे को दो बार बुनकर एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर एक फंदा सीधा, तो ये तीन सीधे हो गए, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, इसे बैक लूप से बुनकर एक फंदा बढ़ाएंगे और अगला फंदा सीधा जो है ये सीधा ही आएगा। तो ऐसे हमारे तीन सीधे दो उल्टे, तीन सीधे दो उल्टे बनते जाएंगे। तो ये पूरी रो हम ऐसे ही बनाएंगे, जो सीधा फंदा है इसे दो बार बुनेंगे, अगला सीधा फंदा नॉर्मल सीधा, फिर दो फंदे उल्टे, तो ये पूरी रो ऐसे ही बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमने जो है अब दो उल्टे तीन सीधे तक बढ़ा लिए फंदे। अब हम बढ़ाएंगे नहीं, जो हमारे हैं फंदे अब हम इन्हीं को बुनेंगे, यानी कि इस तरफ से अब ये तीन फंदे उल्टे आएंगे, पर्ल थ्री निट टू। तो इस तरफ से तीन फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे आएंगे, और उस तरफ से तीन सीधे दो उल्टे आएंगे। तो ऐसे अब इसकी कुछ रोज हम बना लेंगे, जितना आपको कॉलर चौड़ा रखना है उस हिसाब से आप ये सिलाइयां बुन लीजिएगा। अब ये देखिए तीन उल्टे दो सीधे, ये तीन उल्टे हैं और ये जो हमने दो उस तरफ से उल्टे बने थे, इस तरफ से दो सीधे हैं। तो अब इसकी कुछ रोज हम बना लेंगे, तीन उल्टे दो सीधे इस तरफ से और तीन सीधे दो उल्टे इस तरफ से। तो जितना आपको चौड़ा रखना है उतना बना लीजिएगा। तो देखिए हमने ये तीन फंदे बनाए, उसके बाद हमने 12 सिलाई 12 रोज बुन ली, और हमें इतने ही इस फ्रिल को रखना है ताकि जो हमारा ये स्वेटर है इसका वेट ज्यादा ना हो जाए, फिर ये सूखेगा नहीं इसलिए। तो अब हम जो ये सीधे फंदे हैं देखिए, इन्हें तो सीधा बुनते हुए बाइंड ऑफ कर लेंगे ऐसे, जैसे तीन फंदे सीधे बुने बाइंड ऑफ किया। अब ये जो उल्टे फंदे हैं इन्हें उल्टा बुनते हुए बाइंड ऑफ करेंगे। ऐसा करने से जो है आपकी जो ये कॉलर है ये स्ट्रेचेबल बनेगी, टाइट नहीं रहेगी। अभी फिर ये तीन सीधे हैं इन्हें सीधा बुनते हुए, तो हम ये कॉलर भी जो है इसे भी बाइंड ऑफ कर लेंगे। ये देखिए कॉलर के फंदे हमने बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे स्लीव्स अटैच करेंगे ऐसे, ये देखिए बाजू को पहले ऐसे जोड़ लेंगे अगर आप बिगिनर हैं तो, और यहाँ से यहाँ तक स्टिच करने के बाद एक बाजू को यहाँ पे अटैच करेंगे और दूसरी को। तो अब ये फिनिश कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये जैकेट बनकर रेडी हो गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी से मैचिंग हैट बनाना सीखेंगे, बोनट बनाना सीखेंगे। तो जुड़े रहिए चैनल से, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर।